बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। तो पिछला अगर आपने टॉपिक देखा है यानी वीडियो आपने उसकी देखी होगी, तो उसके अंदर ये था कि हमारे जो दो पार्ट थे वो ए के फॉर्मूला पर बेस कर रहे थे। मतलब अकोमुलेटेड जो अमाउंट है, जिसको हम सम भी कहते हैं, जिसको हम फ्यूचर वैल्यू भी कहते हैं, उस पर बेस कर रहे थे। उसमें भी हम लोगों ने दो पार्ट में उसको डिवाइड किया था। पहला जो पार्ट था उसमें ईयरली कंपाउंड हो रहा था, उसकी बेस पर किया था। तो वो आई और एन ऑलरेडी सिंक थे, लेकिन ईयरली बेसिस पर सिंक थे। और जो पार्ट टू था उसमें हम लोगों ने आपको बताया कि अगर वो ईयरली सिंक ना हो, क्वार्टरली सिंक हो, या आपके पास सेमी एनुअली सिंक हो या मंथली सिंक हो, तो उसको हमें कैसे करना है। तो इवन साथ उसको आपको ये भी बताया कि अगर वीकली हो जाए या डेली हो जाए तो उसके अंदर क्या करना होता है। तो तरीकाकार उसी तरह है, सिर्फ उस चीज़ को हमें कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो डिटेल में हम लोगों ने पिछली बात की, उसके अंदर आपने वो वीडियो देखी होगी। तो आइए हम अब इसको देखते हैं। इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूला पर क्वेश्चन बेस कर रहा है। जब भी कंपाउंड, पहली चीज़ तो हमें ये होती है ना कि जब क्वेश्चन आता है तो हमें सबसे पहले ये नहीं देखना कि उसको हम सॉल्व करना शुरू हो जाए। सबसे पहले हम उसमें ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन आया कहाँ से है। मतलब ये सिंपल इंटरेस्ट के टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है या कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, मतलब टॉपिक कौन सा है। सबसे पहले क्वेश्चन में हमें ये गेस करना होता है जब भी इंटरेस्ट की बात होती है। अब अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब कंपाउंड वगैरह का, सिंपल का कुछ वर्ड मेंशन नहीं है, तो हम उसको सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक से ही कंसिडर करते हुए सॉल्व करते हैं। हाँ, अगर कंपाउंडेड का लफ्ज़ आ जाए या कंपाउंड इंटरेस्ट का वर्ड बीच में मिल जाए कि इस तरीके से वो उसको कंप्यूट कर रहा है, या उसमें ऐसी कुछ कंपाउंड इंटरेस्ट के हवाले से कोई चीज़ गिवन है, तो पता चल जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक से क्वेश्चन आया हुआ है। तो पहली चीज़ जब ये गैस हो जाती है, सपोज कर लें कि हमें पता चला कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है उस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया, अब हमें सोचना होता है कि अब इसको जो हमें फाइंड करना है, तो फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करना है, क्योंकि टेबल से अगर हम इसको सॉल्व करें तो बड़ा लेंथी एक प्रोसीजर बन जाता है। तो हमें क्या करना है, उसके फॉर्मूला को गैस करना है। अब फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट के भी दो हैं, सिंपल इंटरेस्ट के भी दो हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला ए का यूज़ करेंगे या सी आई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ये हमें गैस करना होता है। अब इसमें बहुत आसान है, अगर ए जो कि अकोमुलेटेड अमाउंट है, अगर वो आपको गिवन है या आपको वो फाइंड करने के लिए कहता है, तो फॉर्मूला ए वाला यूज़ होगा। और सी आई का फॉर्मूला तब यूज़ होगा जब या तो वो सी आई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट या तो वो क्वेश्चन में दे दे और उसकी बेस पर हमें कुछ निकालना हो, पी निकालना है, आई निकालना है, एन निकालना है, तो वो हम करेंगे। या आपको वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी वही कैलकुलेट करने के लिए कह दे कि कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कीजिए, तो हम फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का यूज़ करेंगे। लिहाजा इसमें क्लैरिटी आ जाती है, मतलब ये कन्फ्यूजन नहीं होगी कि ए का फॉर्मूला यूज़ करना है या सी आई वाला यूज़ करना है। ये बार दफ़ा कन्फ्यूजन रहती है कि कब हमें पता चलेगा कि ये यूज़ करना है, कब ये यूज़ करना है। तो बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है, कोई लंबी चौड़ी इसमें डिटेल नहीं है, लेकिन जिनको कन्फ्यूजन आती है तो उसका आंसर ये है। और ये कि जी सिंपल का यूज़ करना है कंपाउंड का, तो उसका भी सबसे पहले ही हमें देख लेना होता है। तो अब उसमें जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं कि हाँ जी सी आई वाला यूज़ करना है या ए वाला यूज़ करना है फॉर्मूला, उसके बेस पर अब आगे क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगला जो स्टेप आता है वो आता है कि एन और आई का सिंक होना जरूरी है, एक जैसा होना जरूरी है। मतलब अगर आई ईयरली है तो एन भी ईयरली होना चाहिए, लेकिन बाज दफा कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में आई और एन जो है वो सिंक्ड होते हैं, मतलब ईयरली ही होते हैं, लेकिन वो कह देता है कि क्वार्टरली कंपाउंड करो, मंथली कंपाउंड करो या सेमी एनुअली कंपाउंड करो, तो क्वेश्चन हमें फिर चेंज करना पड़ता है, चाहे वो ऑलरेडी सिंक्ड है। मतलब हमें उसको सिंक्ड ही रखना है, लेकिन ईयरली नहीं रखना, क्वार्टरली रखना है या सेमी एनुअली रखना है या मंथली रखना है या वीकली रखना है या डेली रखना है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें उसको चेंज करना पड़ता है। अब इसी बेस पर ये दो हिस्सों में या डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जो हमारा पहला पार्ट है ये ईयरली कंपाउंडेड है, ये जो पार्ट वन हम करा रहे हैं ये है ईयरली कंपाउंडेड। ये बात थी जो पिछली मैंने थोड़ी रीकैप कर दी 4 मिनट के अंदर। अब आइए हम इसको नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर हम 4 एग्जाम्पल देख रहे हैं एक ही वीडियो में, बहुत शॉर्ट सी ब्रीफ सी है, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है। इसमें हम देखेंगे सी आई को फाइंड करना यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को फाइंड करना, फिर सी आई गिवन होगा तो हमें पी फाइंड करना होगा, सी आई गिवन होगा हमें एन फाइंड करना होगा, सी आई गिवन होगा हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। तो ये 4 चीज़ें फाइंड करना हम यहाँ पर सीखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट, पीरियड और रेट। तो ये 4 चीज़ें हम फाइंड करना इसमें देखेंगे। तो सारे का सारा बेस किस पर कर रहा है, ईयरली कंपाउंडेड पर, यानी आई और एन अगर वो ईयरली नहीं है तो हमें ईयरली करना पड़ेगा। अगर ऑलरेडी ईयरली है तो फिर कोई चेंज नहीं करना, क्वेश्चन का फॉर्मूला लिखना है और उसके अंदर वैल्यूज को पुट करना है, उसकी कैलकुलेशन को करना है जैसे कैलकुलेशन होती हैं, और उसका आंसर आ जाना है। आइए शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर एग्जाम्पल 1 में फाइंडिंग सी आई, मतलब इसमें हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है।
पिछले पॉइंट आप जहन में रखिएगा, बात कर रहा है मिस्टर हैरी डिपॉजिटेड रुपीज 1 लाख इन द बैंक, उसने बैंक में जमा कराए हैं 1 लाख रुपया एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 5 ईयर्स। 12% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, रेट भी पर एनम है यानी सालाना है 12%, और जो एन है वो भी ईयर्स में दिया हुआ है, तो सिंगड तो ये है। अब आगे क्वेश्चन में देखना होगा कि क्या इसको ईयरली बेस पे करना है या इसको चेंज करना है। अगर वो कुछ नहीं कहता तो फिर हम ईयरली बेस पर ही इसको कर देंगे, मतलब क्वेश्चन साइलेंट हो और ये सिंगड है तो दैट्स ओके, फिर हम इसको कर देंगे। अब वो कहता है हाउ मच टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ही कैन एक्सपेक्ट एट द एंड ऑफ 5 ईयर। टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड का वर्ड आ गया ना तो पता चला कंपाउंड इंटरेस्ट के टॉपिक से क्वेश्चन है। तो अब उसने पूछा क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, सीआई पूछा है, तो जब सीआई पूछा है तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, सीआई वाला यूज होगा। क्या हमें इसको चेंज करना है या कि नहीं करना, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि उसने कुछ नहीं कहा कि कंपाउंडेड ये या कंपाउंडेड वो, कुछ नहीं कहा, तो मीन्स के ठीक है। तो इसको इतना देख लेना है कि क्या ये ऑलरेडी सिंक्ड है या नहीं है। तो ये सिंक्ड ऑलरेडी है कि ये पर एनम दिया हुआ है और ये भी ईयर्स में, पर है ना मतलब सालाना, पर ईयर ये रेट है और ये भी ईयर्स में है, ईयरली और ईयर, ईयरली एंड ईयर, तो दोनों के दोनों जो है वो सिंगड है। तो बस सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और आंसर ले लेंगे। अब वो कैलकुलेट करना कोई मुश्किल नहीं है, वो हर बंदा कर लेता है। मीन्स कि आपने इस कॉन्सेप्ट को समझना है कि कहाँ क्या करना है। हो सकता है वो यहाँ पे ये ईयरली रेट दे देता और ये आपको वो मंथ्स में देता, तो फिर इन मंथ्स को हमें साल में कन्वर्ट करना ही करना था क्योंकि सेम होना जरूरी है। और हो सकता है कि वो आपके पास ये जो है ये क्वार्टर दे देता, तो फिर हम क्वार्टर्स को साल में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि जैसा रेट वैसे आपको एन करना है, जैसा रेट होता है वैसा एन करना है। क्या कहा था हम लोगों ने, जैसा देश वैसा भेस, तो ये जैसा देश वैसा भेस वाला हिसाब किताब भी हमने करना है, जैसा रेट होगा वैसा एन होगा। आइए हम इसमें देखते हैं पी, आपको यहाँ पर पी नहीं फाइंड करना है, यहाँ सी ए फाइंड करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू गिवन है। अच्छा, इसकी वैल्यू हमारे पास जो है पी की वो है 1 लाख रुपया, तो ये हमने 1 लाख यहाँ पे यानी 100,000 ये इसकी वैल्यू आ गई ये पी। उसके बाद आई 12% पर एनम है, उसके बाद एन आपके पास 5 ईयर्स है और सी आई जो है वो हमें ये फाइंड करना है इसका, ये यहाँ पे तो ये सी आई आपके पास आ गया। अब हम फॉर्मूला, चूँकि सी आई फाइंड करना है तो फॉर्मूला किसका यूज़ होगा, सी आई का, क्योंकि सी आई का फॉर्मूला हम कब यूज़ करते हैं, जब सी आई फाइंड करना हो या सी आई क्वेश्चन में गिवन हो और इसकी बेस पर हमें ये निकालना है, ये निकालना है या ये निकालना है, तो फॉर्मूला सी आई का ही यूज़ होता है। अब सी आई का क्या फॉर्मूला है, पी और होल इसके अंदर एक फैक्टर है, 1 + i की पार n, यानी इस सम के ऊपर पार n है और माइनस इसमें से 1 हो रहा है, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला कैसे आता है ये भी हमने पीछे आपको बताया हुआ है, तो फॉर्मूला के अंदर यानी जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने इसके बारे में बात की हुई है। अच्छा, अब हम इनमें वैल्यू पुट कर देंगे, पी की जगह हमने 1 लाख पुट कर दिया, 1 आ गया, यहाँ 12% आ गया, एन की जगह 5 पुट कर दिया, -1। ये अब अंदर वाला आपको पता है ब्रैकेट पहले सॉल्व होती है तो उसको हम पहले करेंगे, मतलब ये नहीं कि इसको हम पहले अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले से, इसको कंप्यूट करेंगे और फिर उसके बाद लास्ट पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या होगा, 12% है, परसेंट खत्म करने के लिए हम 100 पे करते हैं डिवाइड, तो आएगा 0.12, जब 1 में ऐड करेंगे तो बन जाएगा 1.12। अब इसकी पार 5 है, -1, अब ये पार पहले कैलकुलेट होगी, ठीक है, ये नहीं है कि इसमें से हम पहले 1 माइनस करते हैं फिर पार लें, नहीं, ये पहले पार है इसके ऊपर, ये हमें क्या करना है इसकी पावर पहले कैलकुलेट करनी है 1.12 की, तो वो आपके पास आएगा 1.76234, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.76234 और इसको हम 1 लाख से करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आ जाएगा 76,234.17 रुपये, ठीक है। रुपीज़ आप चाहे तो इसके साथ लिख सकते हैं क्योंकि ऑब्वियसली ये अमाउंट की शक्ल में तो रुपीज़ होगा, अब ये डॉलर्स में हो तो डॉलर आ जाएगा, बाकी पाउंड हो तो वो आ जाएगा, मीन्स के जो भी करेंसी इसके साथ आ रही है, तो खैर ये आपके पास रकम आ गई, तो सी आई फाइंड हो गया। इसमें देखें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको कैलकुलेशन तो बेसिक है, आपको वो तो करनी आती है, फॉर्मूला गेस करना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है और बाकी जो क्वेश्चन मैंने पॉइंट्स बताए उनको जहन में रखना है, बस जहाँ से हम गलती करते हैं इसमें कैलकुलेशन में। हाँ, अगर आपका ध्यान इधर उधर हो गया तो फिर शायद कोई गलती हो जाए, वरना ध्यान से अगर किया जाए तो इसमें प्रॉब्लम ऐसा नहीं आती, तो जिसमें आ रही है उस पर ज़्यादा फोकस करना है। तो ये तो हो गया एक एग्जांपल, अब आइए नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ वो बात कर रहा है जो एग्जांपल 2 है, इसमें अंदर वो बात करता है व्हाट अमाउंट शुड मिस्टर हैरी डिपॉजिट इन हिज बैंक, व्हाट अमाउंट शुड मिस्टर हैरी डिपॉजिट, क्या वो रकम जमा कराए, यानी आज की वो बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ये होगी उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो कि उसकी क्या कहलाएगी, पी कहलाएगी, जो कि प्रिंसिपल है, ठीक हो गया। तो पी आपने फाइंड करना है एट द रेट ऑफ 12% पर एनम फॉर 5 ईयर्स, 12% पर एनम यानी ये रेट है और सालाना है, फॉर फाइव ईयर्स, ठीक है, ये फोर दूसरे वाला फोर है, फॉर 5 ईयर्स यानी 5 सालों के लिए। अब क्या है, ये भी ईयर्स में है और रेट भी ईयरली है, तो सिंक्ड है, ऑलरेडी सिंक्ड है, ठीक हो गया। टू रिसीव अ
टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 76,234.17। इतना अगर वो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल, अगर इतना वो कंपाउंड इंटरेस्ट टोटल समझा दें, यानी 5 सालों में अगर उसको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिले 5 सालों में इस रेट पर 5 सालों में अगर उसको इतना कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा है, तो कहता बताओ उसने कितनी रकम जमा कराई होगी या तो उसको कितनी रकम जमा करानी चाहिए अगर वो इतना पैसा लेना चाहता है। अब हमें क्या है, पी फाइंड करना है। आई आ गया, एन आ गया, सी आई जो है वो हमको यहाँ पे गिवन है, ये सी आई। तो अब चूंकि सी आई गिवन है तो फार्मूला कौन सा यूज होगा, सी आई का, तो वही फार्मूला है जो ऊपर आपके पास है। अच्छा, ये रकम यही है जो आपके पास ये गिवन है, जो हमने पीछे फाइंड किया है उसको अब यहाँ ले आए हैं। तो पी 1 लाख निकलना चाहिए क्योंकि 1 लाख यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, क्योंकि क्वेश्चन वही है, हम सिर्फ उसको स्किप करते आ रहे हैं और उसकी जगह रिप्लेस करके वैल्यू निकालते आ रहे हैं। अब यहाँ पे सी आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस i की पावर n-1, ये इसका फॉर्मूला है। इसकी जगह सी आई की जगह वैल्यू पुट कर दी, पी चूंकि फाइंड करना है, पी को पी ही रहने दीजिए, इनको रिप्लेस करते जाइए। यहाँ पे 1 एज इट इज आ गया, आई की जगह 12% आ गया, एन की जगह 5 आ गया, -1 आ गया। क्यों चेंज नहीं करना, क्योंकि ईयरली ही सारा कुछ चल रहा है। तो अब इसको हम कर सकते हैं कंप्यूट, 1.12 इसकी पावर 5 है -1, इसको हम कंप्यूट करेंगे 1.76234 माइनस इसमें से 1 करेंगे तो आ जाएगा 0.76234। इस पी के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई है, इधर जाके ये डिवाइड हो जाएगा, तो पी जो है वो डिवाइड होने के बाद ये सीधी सीधी रकम जो है वो रुपीज 1 लाख आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करके एक बार चेक भी कर लेना, तो मींस के इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है, कैलकुलेशन वगैरह साथ साथ हो जाएगी। तो ये हो गया पी हमें फाइंड करना, और 1 लाख ही था पिछले क्वेश्चन के अंदर, तो 1 लाख हमने फाइंड कर दिया, मतलब वेरीफाई होता जा रहा है कि हाँ बिल्कुल सही चल रहा है सारा कुछ। डन, अब आ जाइए तीसरी एग्जाम्पल की तरफ जिसमें हमें एन फाइंड करना है। अब वो कहते हैं इन हाउ मेनी ईयर्स मिस्टर हैरी कैन एक्सपेक्ट अ सम ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दिस एट द रेट ऑफ दिस इफ ही डिपॉजिट्स रुपीज दिस टुडे। आज अगर वो 1 लाख रुपए जमा कराए और उसको 12% सालाना मिल रहा हो और उसका कंपाउंड इंटरेस्ट इतना उसको मिले, तो ये कितने सालों में उसको मिलेगा, इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने साल में वो इतना टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न करेगा इस रेट पर इतनी रकम जमा कराने में, कितने साल लगेंगे। अब वो एन पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पी पुट कर दिया, आई आ गया, एन फाइंड करना है, सी आई आ गया, क्योंकि सी आई गिवन है तो फॉर्मूला किसका यूज होगा, सी आई का। तो सी आई इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस i की पावर n-1, अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। यहाँ पे चूंकि सी आई है उसकी वैल्यू पुट कर दी, पी की पुट कर दी, 1 आ गया, 12% आ गया, एन की जगह एन रहने दिया, -1। अब इसको हम कंप्यूट करते आएंगे, ये इधर मल्टीप्लाई है इस पूरे फैक्टर के साथ, तो ये उधर जाके डिवाइड हो सकता है, इसको डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 0.76234 17, और इधर ये अब ओपन हो जाएगा, ये -1 है, उधर जाके ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1.12 कंप्यूट करने के बाद पावर एन। अब इसकी आ जाएगी, इसमें जब 1 ऐड होगा तो ये बनेगा 1.76234 17 और 1.12 की पावर एन। यहां पे अब हम फंस जाते हैं, अब इसको कैसे सॉल्व करें, अब एन कैसे फाइंड हो। अब हम क्या करेंगे कि इसको लॉग लेंगे, एक लॉग की प्रॉपर्टी यूज करें, लॉग अगर किसी की पावर है वेरिएबल तो वो पहले आ जाती है, तो हम लॉग कैलकुलेट कर लेंगे यहां पे। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, इस तरफ भी और इस तरफ भी, इसका भी लॉग ले लिया और लॉग इसका भी ले लिया। जब इसका लॉग लेंगे ये तो कंप्यूट होकर आ जाएगा। अब इस पे ये देखें, पावर जब होती है किसी भी वैल्यू की तो लॉग की क्या प्रॉपर्टी है कि वो पावर उससे पहले आ जाती है और बाकी इसका लॉग कैलकुलेट हो जाता है, यानी एन लॉग 1.12 बन जाएगा। अब इसमें इसका भी लॉग कंप्यूट करें तो इसकी ये वैल्यू आ गई, इसका ये आ रहा है। अब ये एन के साथ ये मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड होगा, तो इसको अगर आप कंप्यूट करें तो ये 5 ईयर्स आ जाएगा, तो 5 साल ही था, एन यहाँ से फाइंड होगा। अब यहाँ पे आपको सिर्फ याद ये रखना है कि जब वेरिएबल एन आ जाए तो लॉग लेना है, बस इस बात को, पॉइंट को जहन में रखना, क्योंकि बाकी कोई नई चीज़ तो थी नहीं इसके अंदर। सिंपल क्या है, आपको एन फाइंड करना है, तो जब एन ऊपर वेरिएबल आ जाए तो आप लॉग ले सकते हो। हाँ, लेकिन ये तब काम करता है जब नीचे जो उसकी बेस है उसमें कोई वेरिएबल ना आ रहा हो, सारे कॉन्स्टेंट आ रहे हो, क्योंकि वो हुआ तो आपका एन पहले आ भी गया तब भी लॉग नहीं ले पाओगे, क्योंकि लॉग मैं पूछूं एन का लॉग क्या होता है, तो एन का लॉग क्या पता, एन क्या चीज़ है, किसी वैल्यू का लॉग आता है, किसी वेरिएबल का लॉग हम नहीं ले सकते कि वैल्यू होगी तो उसका लॉग कंप्यूट होगा। तो इसलिए बेस में अगर आपके पास यहाँ पे हो तो फिर उसका तरीकेकार और होते हैं। तो एनी हाउ यहाँ पे तो ऐसा इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, लिहाजा ये जहन में ये आई ना, टेंशन आई ना कि जी ये ऐसा होगा तो कैसा करेंगे। तो अब आई में देख लीजिए, जैसे यहाँ पर एक वेरिएबल आ जाता है तो ऐसे मौके पे हमें क्या करना है, लेकिन अगर ऐसे यहाँ पे अगर नीचे बेस में वेरिएबल आ रहा है तो ऊपर कॉन्स्टेंट आ रहा है, तो लिहाजा आपको इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम ऐसा नहीं आएगी। तो लिहाजा आई हम इसको देखते हैं, एग्जाम्पल 4 है फाइंडिंग आई, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना। कहते हैं एट वट एनुअल कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वट एनुअल कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट आई फाइंड करना है, रेट फाइंड करना है। तो वो कहता है शुड मिस्टर हैरी डिपॉजिट रुपीज 1 लाख, कि वो 1 लाख जमा कराए फॉर 5 ईयर टू गेट अ सम ऑफ रुपीज दिस कंपाउंड इंटरेस्ट,
इतना कंपाउंड इंटरेस्ट उसको अगर 5 सालों में इतने पैसे जमा कराने पर मिल रहा है, तो कहता है क्या रेट उसको मिला होगा, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि 5 साल उसने ये रकम जमा कराई तो उस पर उसको इंटरेस्ट इतना मिला है, टोटल रकम नहीं इंटरेस्ट इतना मिला है। तो चूंकि इंटरेस्ट मिला तो सी आई गिवन है, तो सी आई गिवन हो तो फॉर्मूला सी आई वाला यूज होता है। तो पी आ गया, आई आपको फाइंड करना है, एन आ गया, सी आई आपके पास ये है, तो सी आई इजिकल टू पी इंटू 1 प्लस आई की पार एन माइनस 1। सी आई की जगह वैल्यू पुट कर दी, पी एज इट इज आ गया 1 प्लस आई की पार, यहाँ पे 5 आ जाएगा ठीक है, एन की जगह आई आई रहेगा और माइनस 1। अब ये इधर मल्टीप्लाई होता जाके डिवाइड हो जाएगा, तो जब ये डिवाइड हो जाएगा तो ये यहाँ नहीं आना ठीक है, ये यहाँ पे क्योंकि शिफ्ट हो गया। अच्छा अब यहाँ पे ये इधर जाकर डिवाइड हो गया, इसकी वैल्यू आ गई, ये इधर बच गया होगा 1 प्लस आई की पार 5 माइनस 1। अब ये इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो जब ये प्लस होगा तो ये बन जाएगा 1.762317 और अब ये इधर बच गया 1 प्लस आई की पार 5। अब हम लॉग नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम लॉग लें तो ठीक है ये 5 तो पहले आ जाएगा, लेकिन आई का लॉग कैसे कैलकुलेट करेंगे, आई का लॉग नहीं आएगा, तो इसलिए हम यहाँ पर लॉग नहीं लेंगे। लेकिन ये है कि चूंकि ऊपर कांस्टेंट है, वेरिएबल पावर नहीं है, पावर जो उसकी आ रही है वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को खत्म किया जा सकता है। 5 हो तो 1/5 ले लें, 7 है तो 1/7 ले लें, 9 है तो 1/9 ले लें ठीक है, तो जो आप इसमें करना चाहें। तो मतलब जैसी पावर होगी उसका आपने रेसिप्रोकल लेकर उसके साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है पावर के साथ दोनों तरफ, क्योंकि इक्वेशन के दोनों तरफ अगर सेम हम ऑपरेशन करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे क्या बनेगा कि आपने इस तरफ भी इसकी पार ले ली 1/5, ये इसके साथ आपको ये ना लगे ये ऊपर है ठीक है, 1/5 इस तरह करके, तो इसकी पार 1/5 है। अब ये देखें 5/5 से कट जाएगा, तो इधर 1 बच जाएगा, तो इसकी पार 1 ना, वो एग्जैक्ट वही होता है, तो ये बनता है 0.20। अब इसमें मैंने पहले भी बताया हुआ कि इसको हमने कैलकुलेटर पे कंप्यूट कर लेना है, ये कैसे आता है, कैलकुलेटर अगर आपके पास हो तो उसके ऊपर एक सिंबल होती है ये वाली, मैंने पहले भी शायद किसी वीडियो में बताया हुआ है कि ये किस तरीके से आती है, ये ऐसे हेड सा बना होता है जिसका मतलब होता है पार, मतलब आपने ये वैल्यू लिखनी है 1.762317, फिर ये आपने प्रेस करना है और उसके बाद आपने 0.20 ये लिख देना है, क्योंकि 0.20 कैसे आएगा, इसको आप 1/5 करोगे तो 0.20 आएगा, पहले आपने रकम यहाँ पे ये लिख देनी है ठीक है, जैसे आप एंटर करोगे तो उसका आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर आप उस आंसर को लें तो इसको कंप्यूट करने के बाद आएगा 1.12 और इधर बच जाएगा 1 प्लस आई, वो खत्म हो गया। अब ये 1 इधर प्लस है, उधर आके माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस होगा तो ये बनेगा 0.12। अब हमें पता है कि जो 0.12 है वो 100 के साथ आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज में चाहिए, तो 100 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 12% आ जाएगा, तो आई कितना आ गया 12%, और ये सालाना है पर एनम, आप चाहें तो इसके साथ पर एनम लिख सकते हैं। अब पर एनम लिखना इस जरूरी भी नहीं है, लेकिन ये है कि अल्टीमेट है क्योंकि ईयर था, तो इसका जो रेट आएगा वो ईयरली आएगा। तो ये थी वीडियो कंप्लीट, ये था। अब इसमें देखें, अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इट मीन्स कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली। एक तो कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना होता है कि कहाँ किस टॉपिक से है, सिंपल इंटरेस्ट है ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, फिर फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना है वो मैंने बताया। उसके बाद हमने इसमें क्या क्या फाइंड किया, सी आई फाइंड किया, पी फाइंड किया, एन फाइंड किया, आई फाइंड किया। तो सी आई की बेस पर आपको वो सी आई फाइंड करने के लिए कहें तो आपको वो क्या देगा, पी देगा, आई देगा, एन देगा, और अगर आपको वो सी आई दे देता है तो वो आपसे पी पूछ सकता है, आई पूछ सकता है, एन पूछ सकता है। तो मीन्स के अपने ब्रेन को ये आपने मैसेज दे देना है कि भैया ये चीज़ें हम फाइंड कर सकते हैं, तो लिहाजा ऑल इज़ वेल ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। तो ये था जी टॉपिक। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ, अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।